हेलो एंड शालोम एवरीवन. जिंदगी गले लगा ले में एम्ब्रेस लाइफ में मैं एक बार फिर नीतू पी चौधरी आपका स्वागत करती हूँ. अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आपको इस जगह क्या दिख रहा है? मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहेंगे कि हमें तो इसमें एक काला धब्बा नजर आ रहा है. जाहिर सी बात है, वी आर कंडीशन टू एक्चुअली लुक एट द फ्लॉज. हम लोगों का ध्यान बड़े आसानी से दूसरे इंसान की गलतियों पर चला जाता है. अगर किसी इंसान से हम बात कर रहे हैं और उसके चेहरे पर अगर छोटा सा कोई दाना है या कोई दाग है या कोई गंद लगा हुआ है तो हमारा ध्यान उसकी बातों पे कम जाएगा, लेकिन उस दाग के ऊपर हमारा फोकस रहता है. वो इसलिए क्योंकि हम फ्लॉज देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अच्छाइयाँ कम नज़र आती हैं और दूसरे की गलतियाँ ज़्यादा. इसीलिए तो आजकल ज़माने में बहुत सारे लोगों की मैरिटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती, उनको एक दूसरे की गलतियां नजर आती हैं. हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है. वो इसलिए क्योंकि फोकस ही गलत चीज़ों पर कर रहे हैं. जो एक अच्छी चीज़ आपको नहीं लगती है उसी पर फोकस करके आप इंसान को अच्छा या बुरा मुकर्रर नहीं कर सकते. मैं आज आपको एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ, एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपके रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बना देगा. जानना चाहेंगे? आइए मैं आपको बताती हूँ. पवित्र शास्त्र बाइबल में से जहां पर फिलिपियों 4:8 में ऐसा लिखा है. अब फोकस करने की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रभु कहते हैं कहाँ फोकस करना चाहिए. प्रभु कहते हैं जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, ध्यान दीजिएगा, प्रशंसा की जो बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो. यानी कि अगर हम दूसरे के फ्लॉज को कम देखें, दूसरा ऐसे करता है ऐसे नहीं करना चाहिए, टॉवल ऐसे फेंक देता है, चप्पल ऐसे फेंक देता है, सास ऐसे कर देती है, बहू ऐसे कर देती है, अगर हम उनकी गलतियों पर ध्यान लगाने की बजाय ये देखें मदद भी तो करते हैं, प्यार भी तो करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े भी तो होते हैं जब ज़रूरत है, तो उन अच्छी चीज़ों पर, उन प्रशंसा की चीज़ों पर अगर हम ध्यान लगाएं तो हमारी ज़िंदगी, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे. सो आई होप कि आपको ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए मिल गया है और आपको प्रभु ज़रूर अच्छे रिलेशंस में बांधेंगे. यही मेरी आपके लिए दुआ है. बी ब्लेस्ड, बी एनकरेज्ड इन जीसस नेम, आमेन.